हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हेल्दी चस्का में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मखाने की, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, यह फुल ऑफ फाइबर है, कैल्शियम से भरपूर है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं, तो आज हम इसकी स्वीट स्नैक रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसको कि आप, जैसे कि अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली पर बनाएं, किसी के गेस्ट के आने पर बनाएं, ब्रेकफास्ट उपहास कभी भी आप इसको बनाएं, बहुत ज़्यादा हेल्दी और झटपट तैयार होने वाला स्वीट स्नैक है। तो आइए, इसके लिए हमने ये देखिए एक बड़ा बाउल मखाना लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना मखाना ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है। और अब आइए, हम इसको सबसे पहले हम इसको रोस्ट करते हैं। हमने एक ये कढ़ाई पैन लिया हुआ है, इसमें हम ये हमने 1 टेबल स्पून घी डाला हुआ है। साथ ही इन मखानों को अच्छे से हम पहले रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी स्वीट स्नैक है। इसको आप किसी व्रत में, फेस्टिवल पर, किसी के आने पर कभी भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए, हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसको जब तक ये देखिए आवाज़ आ रही है, जब तक ये इस तरह से बिल्कुल क्रंची ना हो जाए, तब तक इसको अच्छे से रोस्ट कर लें। ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम फिर से, हमने ये 1 टेबल स्पून घी डाला है, घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। साथ ही इसी में हम थोड़े से ये सीसम सीड तिल डाले हैं हमने, और थोड़ी सी ये हमने मिर्ची, इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि थोड़े से क्रंची हो जाएं। अब हम इसी स्टेज पर, यहाँ पर ये हम गुड़ लगभग 3 टेबल स्पून हमने इसमें गुड़ ऐड किया है। आप इसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा सिम करके, बिल्कुल गैस को सिम करके इसको मेल्ट करेंगे। आप इसकी जगह शुगर या जैगरी कुछ भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से मेल्ट होने लग गया है। थोड़ा सा कैरेमलाइज हो गया है, ये देखिए। अब हम इसी स्टेज पर इसमें हम ये अपने रोस्टेड मखाने, इनको ऐड करेंगे। सबको अच्छे से कोट कर देंगे। देखिए, हमारे ये अच्छे से कोटेड हो गए हैं, कैरमलाइज हो गए हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक है, झटपट तैयार होने वाली स्वीट है। आप दीपावली पर बनाएं, किसी के आने पर बनाएं, व्रत में बनाएं, फास्ट में कभी भी आप बनाएं, झटपट तैयार होने वाला बहुत ज़्यादा हेल्दी स्वीट स्नैक है। थोड़े से सीसम सीड्स और हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं। थोड़े से हम इसमें ये मैगी, इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप किसी जार में आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए, अब हमारे अच्छे से कैरमलाइज हो गए हैं। अब हम इसी स्टेज पर, देखिए, इसमें थोड़ी सी ये इलायची पाउडर हम इसको ऐड करेंगे, और ये हमारे अब बिल्कुल बनकर तैयार है स्वीट मखाना कैरमलाइज। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका। अब हम इनको सर्व करते हैं। देखिए, हमारा झटपट से, फटाफट से तैयार होने वाला बहुत ज़्यादा हेल्दी और माउथ वाटरिंग स्वीट स्नैक है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।